हेलो एवरीवन वेलकम टू ग्रो स्किल्स आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास फाइव का सब्जेक्ट कंप्यूटर जिसमें हम पढ़ेंगे वर्कशीट और प्लस चैप्टर के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ कंप्यूटर कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच टेक्स इनपुट एंड गिव आउटपुट बाय प्रोसेसिंग द डेटा मीन्स कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो क्या करता है इनपुट लेता है और उसके बाद उसमें कुछ प्रोसेसिंग होती है उसके बाद हमें आउटपुट नज़र आता है मतलब इनपुट मीन्स जो भी हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं या माउस के थ्रू हम कुछ भी काम करते हैं वो हमारा जो भी एक्टिविटी होती है वो हमें स्क्रीन पर नज़र आती है उसके बाद आता है मशीन्स मशीन्स क्या होती है मशीन्स आपकी कोई भी मशीन हो सकती है जो भी काम को आसान करती हो और फास्ट करती हो वो सभी आपकी मशीन्स जो होती हैं वो काम आती हैं जैसे रेफ्रिजरेटर हुआ या वॉशिंग मशीन है बहुत सारी चीज़ें ऐसी बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं जो हमारे काम को आसान करती हैं तो उनमें से एक कंप्यूटर भी है बट वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसके बाद आता है वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर अब कंप्यूटर काम कैसे करता है कंप्यूटर काम करता है एक प्रोसेस होता है उसका आईपीओ साइकिल इस पर बेस्ड वो काम करता है आईपीओ का मतलब होता है इनपुट प्रोसेस आउटपुट जैसा कि मैंने अभी बताया था इनपुट इनपुट मीन्स जो भी हम डेटा टाइप करते हैं कंटेंट जो भी हम टाइप करेंगे वो हमारा क्या होता है एग्जीक्यूट होता है प्रोसेसिंग होती है उसके अंदर प्रोसेसिंग हमारी जो होती है वो प्रोसेसर के द्वारा होती है यानी कि सीपीयू सी के द्वारा होती है जिसकी मदद से हमें आउटपुट नज़र आता है उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ अ कंप्यूटर कंप्यूटर्स के बहुत सारे फ़ीचर्स होते हैं जैसे कि आपको नाम से ही पता चल जाएगा स्पीड, स्पीड बहुत फास्ट होती है नेक्स्ट है एक्यूरेसी एक्यूरेसी मीन्स हमेशा जो भी हम टाइप करेंगे वो हमेशा करेक्ट वही टाइप होगा ऐसा नहीं है कि टू टाइप करा है तो थ्री प्रेस हो जाएगा तो इस तरह से नहीं होता एक्यूरेट हमें रिजल्ट मिलते हैं दूसरा आता है स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब है कि उसमें स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है हम अपने कंटेंट को डेटा को स्टोर कर सकते हैं जैसे है कई सारे जैसे फ़ोटोज़ हो गए इमेजेस हो गई वीडियोस हो गई हम वो सब क्या कर सकते हैं कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं स्टोर करने के लिए हमें अलग अलग ड्राइव्स बनाई जाती हैं जैसे सी ड्राइव डी ड्राइव इस तरीके से तो उसमें हम अपने फाइल्स और फोल्डर्स बनाकर डेटा को सेव कर सकते हैं उसके बाद आता है डिलीगेंस डिलीगेंस का मतलब होता है कि जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल लेके समझिए जैसे कि ह्यूमन यू, बींग है अगर वो काम कर रहा है कोई तो कोई उसने काम किया तो जैसे जो भी वो काम करने लगा तो उसकी स्पीड जो होगी वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी कम होती जाएगी मतलब वो जैसे थक गया है तो थकने के बाद उसकी स्पीड कम हो जाती है बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता डिलीगेंस मीन्स वो कंसिस्टेंसी से काम करता है क्या होता है ये कंसिस्टेंस होता है यानी ऐसा नहीं है कि अभी उसने दो घंटे पहले जो काम किया वही वो, वो चीज़ मतलब चार घंटे बाद उसका रिज़ल्ट कुछ और आ जाएगा ऐसा नहीं होता है तो ये कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है इसको टायर्डनेस से कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बाद आता है वर्सेलिटी कंप्यूटर जो होता है बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल नेचर का होता है मींस वर्सेटाइल का मतलब होता है एक साथ मल्टीपल टास्क करना जैसे कि वर्सिटाइल मीन्स आप ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए मैंने कोई वर्ड पे मैं काम कर रही हूँ कुछ कंप्यूटर uh, में कुछ टाइप कर रही हूँ बट मुझे उसके साथ साथ म्यूज़िक भी सुनना है तो क्या होगा हम साथ में म्यूज़िक भी चला सकते हैं और हम काम भी कर सकते हैं इसके अलावा मुझे कुछ और चीज़ देखनी है कोई और फाइल में भी कुछ चेक करना है तो वो भी हम कर सकते हैं यानी कि एक साथ हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म नेक्स्ट आता है क्लासीफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अब क्लासिफिकेशन क्या हो सकती है क्लासिफिकेशन का मतलब है किस किस तरीके से कौन कौन सी कैटेगरीज में कंप्यूटर को रखा गया है जैसे एनालॉग कंप्यूटर्स एनालॉग कंप्यूटर्स में से एक छोटी मशीन जैसे कि थर्मामीटर होता है एनालॉग में आपके सिग्नल्स के थ्रू जो भी कंटेंट को यूज किया जाता है उसके बाद आता है हाइब्रिड हाइब्रिड जो होते हैं आपके एनालॉग सिग्नल्स प्लस डेटा डेटा को दोनों को ही हम इसमें यूज़ करते हैं जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का एग्जाम्पल है जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स यूज करते हैं उसके बाद आता है डिजिटल डिजिटल आपका वही है जो हम डेली लाइफ में कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं और डिजिटल किस पे वर्क करता है बाइनरी डिजिट्स जिसको हम जीरो और वन बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इनको हम बिट भी बोलते हैं उसके बाद आता है बेस्ड ऑन साइज एंड प्रोसेसिंग पावर अब क्या है ये थे आपके सिग्नल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आती है बात कि किस तरीके से साइज़ के अकॉर्डिंग हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो सबसे पहले आता है इसमें सुपर कंप्यूटर जैसे कि आपने नाम सुना ही होगा जो सुपर कंप्यूटर होता है सबसे ज़्यादा बड़ा कंप्यूटर कहलाता है और बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होते हैं ये जो कि ज़्यादातर वेदर फॉरकास्टिंग में बायोमेडिकल में या रिसर्च टेक्निक में या फिर कोई डिज़ाइन हम वेपन्स वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें हम मतलब साइंटिफिक पर्पसेस के लिए मोस्टली सुपर कंप्यूटर्स को यूज़ किया जाता है उसके बाद आता है मेन फ्रेम कंप्यूटर मेन फ्रेम कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं जैसे बैंक हो गया एयरलाइंस हो गई रेलवे स्टेशन रेलवे रिजर्वेशन परपजेस के लिए या फिर आपका कोई सिस्टम है या कोई आ, मतलब कंपनी है उसमें भी हम इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं उसके बाद आता है आपका मिनी कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर कौन से होते हैं जो मोस्टली जैसे पी सी थ्री जैसे ड्यूरेबल्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हम इनको ईज़िली काम कर सकते हैं जैसे हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है उस तरीके से तो जो डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं वो आपका मिनी कंप्यूटर होता है उसके अलावा होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर अब माइक्रो कंप्यूटर में भी बहुत सारी कैटेगरीज है, होती हैं तो वो कौन कौन सी हो सकती हैं जैसे टावर डेस्कटॉप नोटबुक लैपटॉप और पाम टॉप अब जो ये इनके नाम रखे गए हैं इनके पर्पस और इनके फीचर्स को देखकर ही रखे गए हैं तो इनको आप जब लर्न करेंगे तो टावर जैसे टावर कंप्यूटर बोला गया है तो इसको कैसे समझेंगे कि टावर में क्या होता है कि जो पर वर्टिकली हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो वर्टिकली अलाइंट होते हैं और इनको हम इसीलिए टावर बोलते हैं बट ये पोर्टेबल नहीं होते ये पोर्टेबल नहीं होते पोर्टेबल का मतलब होता है हम इसको कहीं भी आसानी से ले जा नहीं सकते उसके बाद आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर जैसे मैंने अभी बताया था जैसे आपका आप मतलब ऑफिस वगैरह में यूज कर रहे हैं तो वो आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है जो कि एक जगह पर मतलब किसी भी टेबल पे आप इजीली फिट कर सकते हैं या किसी डेस्क पर रख सकते हैं तो इसलिए हम इसको डेस्कटॉप बोलते हैं उसके बाद आता है आपका नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर्स कौन से होते हैं जिसमें हम ये एक ऐसे समझ के कर सकते हैं हम इसको जैसे कि टेक्स्ट बुक होती है इसका साइज क्या तो, कैसा होता है जैसे कि नोटबुक होती है छोटी सी टेक्स्ट बुक की तरह ये नज़र आता है और इसको भी हम इजीली क्या कर सकते हैं पोर्टेबल की तरह होता है मतलब हम एक जगह से दूसरी जगह पर इसको इजीली ले जा सकते हैं उसके बाद आता है आपका लैपटॉप लैप का मतलब होता है गोद यानी कि अगर हम इसको गोद में लेकर काम करें तो हम ईज़िली इसका काम इससे काम कर सकते हैं इसीलिए इसका नाम रखा गया है लैपटॉप ये भी आपका पोर्टेबल होता है आप एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ले जा सकते हैं उसके बाद आता है पाम टॉप पाम मतलब में हथेली मतलब हाथ में रखकर हम इसका यूज़ कर सकते हैं पाम टॉप में आप एग्जांपल ले सकते हैं जैसे मोबाइल फ़ोन का साइज होता है तो इस तरीके से हम इसको पाम टॉप बोलते हैं पर्पज़ सेम ही है हर एक में काम वही होगा कैलकुलेशन एनालॉग जो भी इसमें वर्क होता है कंप्यूटर से रिलेटेड काम वही होता है बट क्या कर दिया गया साइज़ के अकॉर्डिंग उसको कम या छोटा बड़ा कर दिया गया है तो इस तरीके से आप इनको